हेलो, गुड मॉर्निंग ऑफ ऑल यू। तो ना आज हम शुरू नए टॉपिक करते हैं, मैटिफिक। क्या करते हैं? मैटिफिक मैटिफिक क्या होता है भैया? देखो, जैसे ए सेट ऑफ एम एन नंबर, ए सेट ऑफ एम एन नंबर वेयर एम एन बिलोंग्स टू रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। मैटिफिक एम एन वेयर एम एन बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी एम एन एक रियल नंबर हो या इमेजिन नंबर हो, इनको ऐसे अरेंजमेंट में एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इनका कर दिया जाए रहे में। क्या होता है, जैसे जैसे एम क्रॉस एन में, जैसे एम क्रॉस एन में एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको अरेंजमेंट कर दिया जाए एम एन फॉर्म में, वेयर एम इज क्या है, एम मीन्स रो और एन मीन्स कॉलम। एम रो हो एन कॉलम हो, दैट इज कॉल्ड टू द मैट्रिक्स। एम एन कोई रियल नंबर हो, इसको इस ऑर्डर में, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर एम क्रॉस एन में एक रेक्टेंगल फॉर्म में इसको अरेंजमेंट कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड टू द मैट्रिक्स, एंड मैट्रिक्स साइन इज दैट इज हियर। ठीक, इट मीन्स दैट इज ए वन वन, यानी कि वन रो वन कॉलम, दैट इज ए वन वन इज ए वन टू ए वन थ्री अप टू ए वन एन। सिमिलरली ए टू वन, ए टू वन, ए टू टू एन टू ए टू एन। सिमिलरली ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ये यहाँ पे ए टू थ्री आ जाएगा, ये ए ए वन थ्री, ए टू थ्री, ए थ्री थ्री, ए थ्री एन, दैट इज ए एन वन, ए एन टू, ए एन थ्री, दैट इज ए एन क्या है, एम रो, एम ये एम हो जाएगा, एम वन, एम टू, एम थ्री, ए एम एन, ए एम एन। इस तरह कितने कितने चाहिए, एम रो होने चाहिए, एन कॉलम हो, दैट इज कॉल्ड द, इट मीन्स अगर सच दैट, इस तरह का एग्जाम्पल हो, एक दो तीन चार पाँच प्लस आई आठ, सिक्स प्लस सिक्स माइनस आई सेवन एट, दैट इज कॉल्ड टू ए मैट्रिक्स, 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 दैट इज कॉल्ड टू ए हेयर ए वन वन, ए वन वन, ए वन टू, ए वन वन, हेयर इज ए वन, ए वन वन, ए वन वन, हेयर इज ए वन वन, ए वन वन मीन्स वन, ए वन वन मीन्स यानी पहली रो का पहला, ए वन वन, ए वन वन, ए वन वन मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू ए टू वन, ए टू वन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ए थ्री थ्री नहीं थ्री रो थ्री कॉलम। इट मीन इट्स शो दैट ए आई जे, ए आई जे मीन्स आई एथ रो एंड जे एथ कॉलम, ए आई, ए आई जे, ए आई जे इज इक्वल टू आई एथ रो एंड जे मीन्स कॉलम। इट इज द फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, इन इन दिस मैट्रिक्स वी हैव एम रो एंड आर कॉलम, दैट इज ऑर्डर इज कॉल्ड टू द रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम, दैट इज रो कितने है एम, यानी रो एंड कॉलम। अगर आप भूल जाओ तो कहीं भी इसका याद कर लेना, यानी रामचंद्र जी, राम चंद्र जी, आर से राम, सी से चंद्र जी, रामचंद्र, तो इसका ऑर्डर क्या होता है, रामचंद्र जी होता है,
if any matrix the number of row and the number of column, the order will be to the row and column. That is, in this matrix we have m row, we have m row and n column, that is to the m cross n matrix, m cross n matrix. Here in this we have 1 2 3 row and 3 column. 1 2 3 to ye row gayi 1 2 3 to kitne ho gaye row gayi 3 column gaye 1 2 3. That is called the 3x3 matrix. That is called the 3x3 matrix. So that is called the matrix. M, N, and the matrix, that is called the matrix element. Matrix element. That is 1, 2, 5 by I, 4, 8. That is called the matrix of element. Any matrix of element kya hai? Agar inko, if koi M, N koi real number ho ya imaginary number ho, in a rectangular form mein. इन रेक्टेंगल फॉर्म में क्या कर दे, अरेंजमेंट कर दे जाए, दैट इज कॉल्ड टू द मैट्रिक्स. और रो मल्टीप्लाई कॉलम, रो मल्टीप्लाई रामचंद्र जी, दैट इज कॉल्ड टू द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. इसको इस तरह बोलते हैं, यानी ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू, इसे बोलते हैं ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ही है. ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन. ए मतलब I means row, J means column. इस order की ये matrix है. इसके A equal to A I J M cross N matrix. ठीक? आगे understand? ठीक? अब हमने समझ चुके हैं मैट्रिक्स क्या होता है, कि किसी भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में किसी को अरेंज कर दिया है एलिमेंट को, तो उसके आता है एक मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स कहलाता है. और मैट्रिक्स के जो भी अंदर लिखे हुए नंबर हैं वो दैट इज कॉल्ड टू देयर एलिमेंट. इन दिस एक होता है ट्रेस, 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 सम ऑफ ऑल डायगोनल, सम ऑफ ऑल, sum of all diagonal, sum of all diagonal. That is means we have A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, A33. It is a 3x3 cross matrix. We have that is trace, trace is sum of all diagonal, that is diagonal is here, sum of diagonal is here. In this question we have is equal to A11 plus A12 plus A22, A22 plus A33. Trace is the sum of the all diagonal, A11 plus A22 plus A22, A plus 3. Theek? A is equal to, अच्छा, A11, it is clear that diagonal is the that element we have the row and column are same. Row है, means first row, first column, second row, second column, third row, third column. It means we have, if we have the n order matrix, then A11 plus A 22 plus A33 up to ANN. That is called to the trace. 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 Trace क्या है? Sum of all diagonal को जितने भी diagonal के element है इनको sum कर दिया. That is called to the trace. अगर type of matrix. अब क्या है? टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है भाई? सबसे टाइप ऑफ सबसे होता है, पहले रहता है रो मैट्रिक्स. क्या है रो मैट्रिक्स? जैसे इसके नाम से क्लियर है, क्या नाम है? रो मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो, इट इज कॉल्ड टू द रो मैट्रिक्स. दैट इज 1 2 8 7, इट इज कॉल्ड टू द रो मैट्रिक्स. इट इज कॉल्ड टू द रो मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो, दैट इज कॉल्ड टू द रो मैट्रिक्स. अच्छा, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? रो कितनी है इसके अंदर? 1
कॉलम कितने हैं? एक दो तीन चार, तो 1/4, दैट इज व्हाट इज 1/4, यानी ए मैट्रिक्स व्हिच हैव ओनली वन रो, दैट इज कॉल्ड टू द रो मैट्रिक्स। सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स व्हिच हैव ओनली वन कॉलम, ए मैट्रिक्स व्हिच हैव ओनली वन कॉलम, जैसे 1, 2, 8, 7 या 9, इट इज कॉल्ड टू द कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स व्हिच हैव ओनली वन कॉलम, दैट इज कॉल्ड टू द कॉलम मैट्रिक्स सच दैट टाइम इट इज ऑर्डर इज 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, दैट इज ऑर्डर इज 5/1। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स, फर्स्ट इज रो मैट्रिक्स ओनली वन रो, सेकेंड इज कॉलम मैट्रिक्स व्हिच हैव ओनली वन कॉलम। अंडरस्टैंड? ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे जैसे नाम सुनोगे एक स्क्वायर फिगर कह सकते हैं, ए फिगर विच हैव टू द स्क्वायर विच हैव नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड टू द स्क्वायर, दैट हेयर इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैव नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड टू द स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैव नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, जैसे जैसे अभी एग्जांपल करा था मैंने, ये है A11, जैसे यही कहते A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, that is called matrix is 3/3 in the form of 3 by 3, it is the in the form of 3 by 3 की ये form है, इसमें जितनी row हैं उतने ही column है, that is called to the 3 by 3 form, 3 by 3 form, ये क्या कहलाता है 3 by 3 form की ये हो गई, इस कहते हैं it square matrix, यानी row is equal to row number of row is equal to number of row is equal to number of नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज कॉल्ड टू द स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स विच हैव डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, डायगोनल विच हैव ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, ए डायगोनल मैट्रिक्स विच हैव सच दैट ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, फॉर जितने भी आई और जे इक्वल नहीं है उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसकी जो है ए आई जे की वैल्यू फोर होल आई जे, दैट इज कॉल्ड टू द डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स सच दैट इज A11 0 0 0 A22 0 0 0 A33, दैट इज कॉल्ड टू द डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स विच हैव अदर देन द, या वी कैन से अदर देन द डायगोनल एलिमेंट ऑल एलिमेंट आर जीरो, ये डायगोनल एलिमेंट आर नॉन जीरो, ए डायगोनल एलिमेंट जीरो नाउ, दैट इज कॉल्ड टू द है डायगोनल मैट्रिक्स, ये क्या कहलाता है, ये कहता है डायगोनल मैट्रिक्स। एक होता है स्केलर मैट्रिक्स, एक क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स विच हैव, या डायगोनल मैट्रिक्स विच हैव, जो उसके डायगोनल एलिमेंट है, जो इसके क्या है डायगोनल एलिमेंट है, क्या है
क्या है, कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ये कोई कॉन्स्टेंट नंबर हो, उसे क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जिसके डायगोनल एलिमेंट अगर इक्वल हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर स्केलर मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स व्हिच हैव, ए स्केलर मैट्रिक्स व्हिच हैव, यानी कि ए आई आई क्या है, ए आई आई इज इक्वल टू कितना चाहिए, के। के मीन कॉन्स्टेंट होने चाहिए, कोई कॉन्स्टेंट है, दैट इज कॉल्ड टू द स्केलर मैट्रिक्स, सच दैट इज, जैसे के 0 0 0 के 0 0 0 के, दैट इज कॉल्ड टू द स्केलर मैट्रिक्स, दैट इज ए आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, स्केलर याद इक्वल एंड कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट होनी चाहिए सारे इसके, दैट इज कॉल्ड टू द है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या बता दें मैंने, स्क्वायर मैट्रिक्स बता दिया, डायगोनल मैट्रिक्स बता दिया, और क्या बता दिया मैंने, स्केलर मैट्रिक्स बता दिया। एक आगे बढ़े भाई, ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी और ठीक है, तो नेक्स्ट इज, ये नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो आइडेंटिटी उसकी वजह से कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी है। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स इज कॉल्ड टू द आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स सच दैट ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल, जितने भी होने चाहिए, आई नॉट इक्वल टू जे, फॉर ऑल नॉट आई इक्वल टू जे, एंड ए आई आई इज इक्वल टू वन फॉर आई, फॉर ऑल आई, फॉर ऑल आई, फॉर ऑल आई, जितने भी आई इज इक्वल टू नॉट जे एलिमेंट हैं, यानी ए आई नॉट इक्वल टू वन, आई नॉट इक्वल टू जे, यानी कि ए वन टू, ए टू टू, ए टू वन, एंड ए आई आई, ए मीन रो एंड कॉलम इज सेम, जैसे मीन्स ए, जैसे थ्री बाई थ्री के, फोर थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स के लिए मान लिया, फोर थ्री बाई थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए, यानी ए वन वन इज इक्वल टू ए टू टू इज इक्वल टू ए थ्री थ्री इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, वन, आई आई यानी रो नंबर और कॉलम नंबर क्या होना चाहिए, हमेशा इक्वल हो अगर, तो इनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, वन, दैट इज कॉल्ड टू द आइडेंटिटी, दैट इज कॉल्ड टू द आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स सच दैट, और जो रो कॉलम नहीं बराबर है, जैसे ए वन टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए टू थ्री, ये सब क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, जैसे ए वन टू इज इक्वल टू ए टू थ्री, ए टू थ्री इज इक्वल टू ए थ्री वन इज इक्वल टू ए टू वन, ऑल दैट दैट इज जीरो, जैसे वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, दैट इज कॉल्ड टू द यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी ए यूनिट मैट्रिक्स इज कॉल्ड टू द यूनिट मैट्रिक्स और द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड नेक्स्ट इज द नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स मीन्स ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड टू बी ए नल मैट्रिक्स हूज ऑल एलिमेंट आर जीरो, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड टू बी ए नल मैट्रिक्स हूज एलिमेंट आर जीरो, ये दैट इज कॉल्ड, इट इज ए टू क्रॉस बाई टू मैट्रिक्स, इट इज ए थ्री बाई क्रॉस बाई थ्री मैट्रिक्स,
मैटी हुज ऑल आर अंडा जीरो गोल, सबके मैट सबके एलिमेंट कितने होने चाहिए जीरो जीरो हो जिस तरह के, तो इसके मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं, क्या कहलाता है जो नल मैट्रिक्स कहलाता है, दैट इज कॉल्ड टू द नल मैट्रिक्स। ठीक, अंडरस्टैंड? ठीक है, आगे बढ़े। एक है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, एक क्या है टाइप ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ट्राइंगुलर क्या है, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ये क्या है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स सच दैट टू टाइप्स, एक द अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, एट मैट्रिक्स ही है ए मैट्रिक्स हैव टू टाइप्स, फर्स्ट इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, सेकेंड इज लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, फर्स्ट इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, सेकेंड इज लोअर ट्राइंगुलर, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इन विच ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर विच आई इज ग्रेटर देन जे, फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन आई, यानी रो नंबर जो है हमेशा, अगर रो जो है कॉलम से क्या है बड़ी है, रो जो है हमेशा अगर कॉलम से बड़ी है तो क्या है फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, दैट इज कॉल्ड टू द अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज फर्स्ट इज जैसे ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, दैट इज ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, दैट इज इन दिस वी हैव नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन कॉलम, दैट इज इफ इट इज द ए टू वन, yes, yes, that, that, it has to the number of row is less than column, it is the I less than, if the I here, there are three point in which we have to the row, number of row is greater than number of column, is 2, 1, 2, 3, 3, 1, 3, 2, yani, दो row, एक column, तो row बड़ी है, यहाँ भी row बड़ी है, यहाँ भी row बड़ी है, it is means it will be zero, it will means it will be zero, it will means it will be zero, that is called to the ye triangle hai, ye triangle ban gayi, that is called to the upper triangular matrix, same at inverse if aij is equal to aij is equal to zero for all I is less than j, agar I less than se j se kam hoga to ye bhi kya hoga, to hoga lower ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड टू द लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, जैसे दैट इज ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, जैसे ए टू टू, ए टू वन, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, हेयर वी हैव इन दिस मैट्रिक्स वी हैव दैट इज द नंबर ऑफ रो इज लेस देन टू द नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ रो, हियर ओनली थ्री पॉइंट ए वन टू, ए वन थ्री एंड ए थ्री थ्री, इट मीन्स ए वन टू, इट मीन्स ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू थ्री इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स इट विल बी जीरो, दैट थ्री एलिमेंट आर कॉल्ड, ठीक, दैट इज कॉल्ड टू द
लोअर ट्राइंगुलर, लोअर ट्राइंगुलर, लोअर ट्राइंगुलर मेटल मीन ट्राइंगल कहाँ बन रहा है? ऊपर बन रहा है, तो ये क्या आ गया उल्टा है, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अगर नीचे ये ट्राइंगल जीरो जीरो का बन रहा है तो इसे क्या कहते हैं? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, अब क्या इक्वलिटी ऑफ अगर इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स क्या इक्वलिटी ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होता है भैया? क्या होता है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स? लेट अब इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होता है? अगर मान लिया ए इज इक्वल टू ए आई जे इज इक्वल टू एम क्रॉस एन, ये मैट्रिक्स है, एक एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू एम, एक बी दूसरी कोई बी मैट्रिक्स है, यह है बी आई जे रो जो की इसकी ये ऑर्डर है आर क्रॉस एस। अगर ये कोई मैट्रिक्स है ए आई जे ऑर्डर की, क्या की है? एम क्रॉस एन की है, और बी इक्वल टू बी आई जे आर क्रॉस एस की मैट्रिक्स है। इस तरह की ये मैट्रिक्स है कि नंबर एम इक्वल टू आर, एम इक्वल टू क्या आ जाए? आर आ जाए, एम इक्वल टू क्या आ जाए? आर आ जाए, और एन इज इक्वल टू एस क्या आ जाए? एम इज इक्वल टू आर आ जाए, एन इज इक्वल टू एस आवे। तो ये कहलाता है दैट इज कॉल्ड टू द, यानी इसकी इसके इसके क्या है, इसकी रो के बराबर, इसकी कॉलम इसके कॉलम के बराबर, दैट इज कॉल्ड टू द ये इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स क्या कहलाता है? अगर इनके इनके जो है रो एम इसके कॉलम के बराबर, इसके रो के बराबर आ गए, दैट इज कॉल्ड टू द इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, यानी एम इज इक्वल टू आर, आर इक्वल टू एक्स। अच्छा अब है जैसे क्या है मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन अपर ट्राइंगुलर ओब्लिक लोअर ट्राइंगुलर। अगर मिनिमम नंबर ऑफ जीरो निकाल लो, कह मैं निकालू मिनिमम ऑफ नंबर जीरो कह मैं अपर ट्राइंगुलर या लोअर ट्राइंगुल में, इसमें क्या होता है? n इज इक्वल टू n इंटू माइनस वन अपॉन टू। अच्छा मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन इन डायगोनल मैट्रिक्स क्या आ जाता है? n इंटू एन माइनस वन, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या आता है फॉर्मूला? n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। सिमिलरली मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन डायगोनल मैट्रिक्स, और उसमें क्या आता है? n इंटू एन माइनस वन अपॉन मिनिमम नंबर ऑफ जीरो ऑफ डायगोनल क्या है? n इंटू एन माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लिया 3x3 की एक मैट्रिक्स बताई थी अभी, जैसे ये अपर निकालना तो क्या आएगा? n इंटू माइनस n इंटू फोर अपर ट्राइंगुलर, फोर अपर के लिए मान लिया, फोर अपर के लिए क्या आ जाएगा? 3 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 2, 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2,
टू से टू गया कितना आ गया थ्री। देखो ये था अपर में भी, अभी बताया था मैंने ये अपर ही हो जाता है, एक छ चार पाँच तीन जीरो 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 जाता है जीरो 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 आठ, ये दैट इज कॉल्ड द अपर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। दैट कितने जीरो आ गए, तीन जीरो आ गए। अपर में भी अगर किसी चीज़ के फॉर्मूले में कहता है कि अपर या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के कितने जीरो होंगे, इसका ऑर्डर दे रखा है, थ्री ऑर्डर की है मैट्रिक्स, तो इसका एन की वैल्यू यहाँ रख के इसके होंगे चेक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मान लिया एट की है, कितने हैं एट में, कितने जीरो होंगे, एट इंटू एट माइनस वन अपॉन टू, टू से एट फोर, ठीक है। तो क्या आ गए, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर ट्राइंगल में क्या है, एन इंटू एन माइनस अपॉन टू, और मीडियम में क्या आ गया, एन इंटू एन माइनस वन, ठीक है। नहीं अगर मान लिया कोई चीज है थ्री बाई ऑर्डर की है, तो इसमें क्या आ जाएगा, थ्री इंटू थ्री माइनस वन थ्री इंटू टू इक्वल टू सिक्स, कितने जाएंगे जीरो जाएंगे। इसे डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसमें कितने आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। जैसे फोर इज फोर सच दैट, जैसे इसमें ए वन वन जीरो जीरो, ए टू टू जीरो 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 जीरो, ए थ्री थ्री। देखो ये देखो तीन ये रहे और तीन ये रहे, कितने हो गए छ, छ हो गए, कितने आ गए। तो नंबर ऑफ जीरो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन अपर ट्राइंगल एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन डायगोनल मैट्रिक्स एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, ये फॉर्मूले याद कर देना भैया, ठीक है। अब आगे एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, क्या एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, अब एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस क्या है, एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस है द सम ऑफ टू मैट्रिसेस, द सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज डिफाइंड इफ वी हैव टू मैट्रिसेस ए एंड बी, ए एंड बी, when their sum will be at least only the their order is same, अगर दो मैट्रिक्स दे रखे इनका ऑर्डर सेम है तो इसका क्या होगा, तो इनका सम होगा, नहीं तो हो नहीं सकता। अगर जैसे मान लिया ये ए है, ए का मैट्रिक्स है ये ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर जीरो फाइव सिक्स सेवन एट, ये कितने की मैट्रिक्स है भैया, ये है थ्री बाई थ्री की। B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये है जीरो वन टू जीरो वन थ्री फोर फाइव जीरो, ये भी थ्री बाई थ्री है। दो मैट्रिक्स है, एक तो A है, A कौन सी है, ये है B है, इनका सम जब एग्जिस्ट करेगा इनका ऑर्डर सेम होगा, इनका ऑर्डर कितना आएगा थ्री बाई थ्री, B का कितना ऑर्डर है थ्री बाई थ्री, तो इनका सम क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या आ जाएगा, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इनके क्या आ जाएगा, प्लस वन प्लस जीरो वन, टू प्लस वन टू टू, यानी ए वन वन के साथ ए वन वन जोड़ना है, ए टू टू के साथ ए टू टू, ए टू टू के साथ ए टू टू जोड़ना है, ए टू ए ए ये क्या है, ए वन वन है, ये क्या है, ए टू वन है, ए ए वन वन है, ए वन टू है, ए वन थ्री है, क्या ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री, ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री, ए टू
ए टू वन की, ए वन टू के साथ ए वन टू जोड़ना है, ठीक है। तो थ्री ए टू, फाइव फोर और जीरो, फोर जीरो और वन वन, फाइव और थ्री एट, सिक्स और फोर टेन, सेवन और फाइव ट्वेल्व और एट और जीरो एट, यानी क्या आ गया, द सम ऑफ क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी क्या आ गई, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी दैट इज एंड वी हैव, नहीं क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी सॉरी, मतलब सम एग्जिस्ट कब कब करता है, अगर दोनों का ऑर्डर जो है सेम है, दोनों का ऑर्डर सम प्लस किससे निकालते हैं मैट्रिक्स का जो कोरस्पोंडिंग जो एलिमेंट है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं प्लस होते हैं, दोनों कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होते हैं प्लस कर दो, जैसे ए वन वन में, ए वन वन में क्या कर दियो, ए वन वन कोरस्पोंडिंग एलिमेंट जोड़ दिया, ए वन टू में, ए वन टू, ए वन थ्री में, ए वन थ्री ये जोड़ दिया, ठीक है, ये दैट इज कॉल्ड टू द एलजेब्रा ऑफ सम ऑफ मैट्रिक्स, मीन एलजेब्रा फॉर मैट्रिक्स की जो मैट्रिक्स के सम से है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि मैट्रिक्स शुड, मैट्रिक्स विल बी ऑलवेज एडिटिव, इन एडिटिव इज कम्यूटेटिव, द मैट्रिक्स ऑफ, द मैट्रिक्स ऑफ द सम ऑफ टू मैट्रिक्स ऑलवेज द कम्यूटेटिव, जैसे जैसे मान लिया ए के ए है मैट्रिक्स, ये बी है, तो कम्यूटेटिव क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव की क्या क्या प्रॉपर्टी थी, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, बी प्लस ए, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी अगर हमने ये देखा है, जैसे मान ली ए ये थी, ए ये थी, बी है, तो इनका सम करके क्या आ गया, ए प्लस बी, सिमिलरली अगर मैं बी प्लस ए, बी प्लस ए करूंगा तो दैट इज विल बी सेम, दैट इज विल बी सेम, जैसे फॉर एग्जाम्पल जीरो वन वन ही है, हेयर इट इज क्लियर फ्रॉम दिस क्वेश्चन दैट द सम ऑफ टू मैट्रिक्स ए प्लस बी और वी कैन कैलकुलेट बी प्लस ए इज ऑलवेज इक्वल टू दैट इज कॉल्ड टू द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मीन सम ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मीन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक, न्यू न्यू इज एडिटिव मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एडिटिव इज मैट्रिक्स एडिटिव इज मैट्रिक्स एडिटिव इज एसोसिएट, जो मैट्रिक्स का जो, मैट्रिक्स का जो ये सम जो एडिटिव सम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो एग्जिस्ट होती है, क्या होती है सम जो मैट्रिक्स की में होती है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट, एग्जिस्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मान ले तीन ही है ए बी सी, ए बी ये भी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी ए, जैसे ये भी तीन, ये तीन उंगलियां हैं, पहले दो ये पास की बंद कर लो, फिर ये दो पास की बंद कर लो, बिल्कुल पास पास एडजेंट, दैट इज कॉल्ड टू द एड, दैट इज कॉल्ड टू द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हियर, दैट इज कॉल्ड टू द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज कॉल्ड टू द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड टू द एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हेंस वी हैव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मींस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज फॉर अगर वी हैव कैलकुलेट इफ सी इज इक्वल टू देयर इज एनी मैट्रिक्स हियर जैसे फोर थ्री जीरो जीरो फाइव एट सेवन नाइन सिक्स या टीके जीरो, इफ वी हैव दैट ए प्लस बी प्लस सी, पहले तो ए प्लस बी को जोड़ो फिर इसके साथ सी को जोड़ो, या पहले इन दोनों को जोड़ो बी और सी को फिर इसके साथ ए को जोड़ो, वी हैव ऑलवेज सेम, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी, इन द, इन द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स द ऑलवेज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज एग्जिस्ट, ठीक, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है,
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या हो जाता है, मतलब हमेशा मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिक्स का सम होता है तो वहां जो है मे बी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, वहां जो है एग्जिस्ट करती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वहां जो है एग्जिस्ट करती है, क्या करती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स करती है। इनकी क्या होता है, इनकी अगर कोई ए है तो जो आई आइडेंटिटी है, तो ए प्लस आई इक्वल टू, आई प्लस ए इक्वल टू ए, ए प्लस आई इक्वल टू, ए प्लस आई इक्वल टू, इक्वल टू आई प्लस ए, आई प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ए, ए प्लस आई, आई मतलब ए प्लस जीरो, जीरो मैट्रिक्स की आइडेंटिटी है ये, तो जीरो ही है, ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए इक्वल टू ए, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी, दैट ऑलवेज ऑल एलिमेंट इज जीरो, ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए, जीरो प्लस ए। अच्छा अब है एग्जिस्ट ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी ए कोई मैट्रिक्स है इसका इनवर्स माइनस ए है, दैट इज वी गेट ऑलवेज ए जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या आइडेंटिटी या ए प्लस माइनस इज गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इज कॉल्ड ऑलवेज ए मैट्रिक्स एंड दे इनवर्स इफ वी एड टू सम दैट इज ऑलवेज टू द जीरो मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड द जीरो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी, स्टैंड फॉर आइडेंटिटी या आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी में ये जीरो होता है, जैसे जैसे फाइव यही सेम आइडेंटिटी, जैसे फाइव एक नंबर है, फाइव प्लस जीरो इक्वल टू फाइव, ठीक पहले पढ़ा था ये, अगर फाइव है, फाइव का इनवर्स माइनस फाइव है, दैट इज इक्वल टू द जीरो, और इसमें जीरो क्या, जीरो क्या आइडेंटिटी, ये हो जाएगी आइडेंटिटी, हर एक एलिमेंट जिसका जीरो हो, ये नल मैट्रिक्स है, ये जिसे नल मैट्रिक्स कहा था, एक तरह की ये जीरो जो है ये वो वाला जीरो नहीं है, ये जीरो है नल मैट्रिक्स, ये लिखा ना ए प्लस जीरो जीरो प्लस ए, दैट इज नॉट ए जनरल जीरो, इट इज टू द नल मैट्रिक्स, दैट इज टू द नल, नल मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स विच हैव ऑल एलिमेंट आर जीरो, तो ए प्लस माइनस ए इक्वल टू जीरो, ए प्लस माइनस ए इक्वल टू जीरो, इट मीन्स देयर एग्जिस्ट इन एडिशन ऑलवेज एग्जिस्ट ऑफ इनवर्स, एग्जिस्ट ऑफ इनवर्स। अच्छा ठीक आगे बढ़े भाई, समझ आ गई, जैसे ये भी बताया था मैंने, ये है जैसे मान लिया ये है एक चार तीन पांच छ सात आठ नौ एक, ये है कोई मैट्रिक्स, और ये एक जीरो की मैट्रिक्स इस तरह की है जीरो 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 जीरो, ये इन्हें दोनों को क्या करना है, सम करना है, चाहे तो इसको इससे सम कर लीजिए, तो है ए, ये क्या है ए, ये क्या है आई, ए प्लस जीरो, ए प्लस जीरो, फिर क्या जाएगा, ये सेम इज वन जीरो जीरो फोर जीरो जीरो, फोर प्लस जीरो फोर, थ्री प्लस जीरो जीरो, सेवन प्लस जीरो जीरो, सिक्स प्लस जीरो जीरो, सेम है वन फोर थ्री सेवन सिक्स फाइव एट नाइन नवन, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक। ठीक है आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है अच्छा, एक अभी क्या होता है, एक अभी क्या होता है डिटर्मिनेशन, एक अभी क्या आएगा वर्ड डिटर्मिनेशन, कभी कुछ बच्चे कह रहे थे डिटर्मिनेशन, चैप्टर दोनों ही कहते हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन, जब चैप्टर के नाम लेते हैं कि पहले मैट्रिक्स पढ़ेंगे फिर डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, अगर कोई ये ए इक्वल टू ए आई जे इक्वल टू
एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, इफ वी हैव ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, इफ वी असाइन एनी वैल्यू, अब ही कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, दैट दैट इज वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू द डिटरमिनेशन एंड इज जनरेटेड बाई ये, दैट इज डिटरमिनेशन और दैट इज ये. अगर हम जो है इसकी मेन फंडामेंटल क्या फर्क होता है मैट्रिक्स और डिटरमिनेशन में, मैट्रिक्स और डिटरमिनेशन में मैट्रिक्स जो है एक जो है इस तरह इस स्क्वायर में लिखी जाती है, उसको जो है अगर कोई नंबर असाइन होते हैं इसमें रो और कॉलम पे, वो अगर उनकी इसकी मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल ली जाए दैट इज कॉल्ड टू द डिटरमिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेशन ए यानी मोड ए या डिटरमिनेशन ए, ये दोनों में बेसिक फंडामेंटल यही है कि यह है फर्क है डिटरमिनेशन और मैट्रिक्स. अच्छा जी, अब है मल्टीप्लिकेशन. अब क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या कहलाएगा भैया? अगर मान लिया दैट ए इज इक्वल टू ए आई जे, ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए आई जे, ये एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, ए इसके एलिमेंट है, ए आई जे एम क्रॉस एन, और के एनी स्केलर नंबर है, के क्या है एनी स्केलर नंबर है, एनी स्केलर नंबर है, के है के ए है एनी स्केलर नंबर. अगर के की मल्टीप्लाई कर दें, के की हर एक एलिमेंट से इसकी मल्टीप्लाई कर दें इसमें मैट्रिक्स में, दैट इज कॉल्ड द मल्टीपल, दैट इज कॉल्ड द मल्टीपल, जैसे इट मींस के ए इज इक्वल टू के ए आई जे इज एम क्रॉस एन, दैट इज कॉल्ड टू द, दैट इज कॉल्ड टू द. अच्छा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, अब ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए आई जे, ये एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू ए आई जे की एम क्रॉस एन की ये मैट्रिक्स है, और के कोई एन स्केलर नंबर है, के क्या है कोई एस्टिमेटिव नंबर है, अगर के की इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसकी एवरी एलिमेंट से के मल्टीप्लाई विच आर एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द any scalar, जैसे इट मीन्स इफ वी हैव जैसे हैव वी फॉर 2 3 0 5 2 1 3 1 2 if a, if we want to k a, we want to do k a, the element multiplied by k 2 if k multiply 1 is equal to k, k multiply 2, 2k, 3k, 2k, k multiply 5k, is 0, is 3k, is 2k, is 1k. ये अगर कोई मैट्रिक्स है एक स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो स्केलर विल बी मल्टीप्लाई टू ऑल एलिमेंट इन द मैट्रिक्स. ठीक, अब आगे बढ़े. अब है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन था किसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जब था. अब क्या है अच्छा स्केलर के मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टी ऑफ
इसके लिए मल्टीप्लिकेशन क्या है, अगर मान लिया ए इक्वल टू ए आई जे है, बी इक्वल टू बी आई जे, ये दो मैट्रिक्स हैं। इफ ए इक्वल टू ए आई जे क्या है, ये मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, क्या है कि क्या ऑर्डर है, ये सेम ऑर्डर की, ये भी मान लिया एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है और ये भी एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तो दो मैट्रिक्स हैं क्या, एक ए है एक बी है, किसकी है, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और एंड देयर एग्जिस्ट देयर दो दो नंबर है, देयर आर टू इक्वलर है के एंड एल, के एंड आल आर टू स्केलर, अगर दो मैट्रिक्स हैं और के एंड एल आर दो ही स्केलर हैं, तो क्या अगर ये, अगर ये प्रॉपर्टी क्या होती है के की, अगर दोनों के सम में दोनों का सम हो, मल्टीप्लिकेशन ये हो जाते हैं के ए प्लस के बी, के ए प्लस के पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर दोनों का सम स्केलर का सम करते हैं कुछ मैट्रिक्स है, तो जब भी क्या आता है दोनों की अलग अलग मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया, यानी क्या जाता है के ए प्लस ए है, प्लस के ए प्लस के ए है, के ए प्लस के ए है, के ए प्लस के ए है। अच्छा अगर के, अगर के एल ए है, ए है, तो इसमें यू भी लिख सकता हूँ, वी कैन सी के एल ए, के एल ए, के एल दोनों की स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो इसकी इस दोनों मल्टीप्लिकेशन करके ये भी दोनों सेम आता है। अगर माइनस के हो और यो ए हो, तो ये क्या जाता है माइनस के ए, माइनस के ए, माइनस के ए, या के माइनस ए, या के माइनस ए, यानी ए ए प्लस बी इक्वल टू के ए प्लस के बी, के प्लस एल इक्वल टू के ए प्लस एल, या के एल ए इक्वल टू के एल ए, या अगर कोई माइनस का कोई स्केलर है, इसकी ए से मल्टीप्लाई करते चाहे माइनस के ए कर दो, चाहे के माइनस ए, विल बी ऑलवेज इक्वल, या आई ए इक्वल टू, या क्या कर दू आई ए, आई ए यानी आइडेंटिटी, ये है वो जो पहले लिख रहा था, आई ए इक्वल टू ए माइनस आई ए इक्वल टू माइनस ए, आई मीन्स आइडेंटिटी, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई मीन्स दैट इट मीन्स इफ वी हैव थ्री बाई थ्री तो मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई, इज इक्वल टू द ये थ्री बाई थ्री क्रॉस की मैट्रिक्स है आई, मतलब के में, आई में किसी भी चीज में मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही सेम नंबर आता है, आई मल्टीप्लाई ए इक्वल टू आई इक्वल टू ए, या माइनस वन कह दो, या क्या कह दो, चाहे कह दो माइनस वन कह दो, चाहे माइनस वन की, ठीक है, आई आई माइनस वन की, यानी चाहे माइनस वन की ए में कर दिए, जब भी माइनस ए ही आता है, जैसे यानी यानी वन मल्टीप्लाई ए इक्वल टू ए, या कह दो माइनस वन मल्टीप्लाई ए इक्वल टू माइनस ए, माइनस ए, यानी ए जिस तरह जैसे जैसे हम पढ़ते हैं बच्चों की तरह फाइव मल्टीप्लाई वन इक्वल टू फाइव, यानी एक्स मल्टीप्लाई वन इक्वल टू एक्स, ये जिस तरह उसमें पढ़ा था अभी फाइव प्लस जीरो इक्वल टू फाइव था, ये एडिशन में सेम ही थी, अगर कोई स्केलर है वन है, वन नंबर है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करके हमेशा सेम नंबर वही आएगा, दैट इज कॉल्ड टू द, ये प्रॉपर्टी है भैया, वन टू थ्री फोर फाइव, ये क्या है सिक्स, ये सिक्स प्रॉपर्टी है, कितनी है ये सिक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है भाई, अंडरस्टैंड, आगे बढ़े भाई,
ओके okay. सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे माने एक ए तो है एक एलिमेंट ए आई जे, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू बी आई जे, ये भी एम क्रॉस मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स इज ऑलवेज एग्जिस्ट इफ देयर सेम इन एडिशन, दैट इज ऑर्डर विल बी द सेम, वेरी एम क्रॉस एन की ये है, एम क्रॉस एन की है तो ये हो जाएगा, तो मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होने के बाद क्या है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को जैसे एडिशन में एडिशन किया जाता है, ये क्या करते हैं प्लस में, दैट इज शोर टू द ए माइनस बी, दैट इज कॉल्ड टू द सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ए माइनस बी विच वी कैन द ए प्लस माइनस बी, इट मीन इट कैन से ए इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए प्लस माइनस बी, इट मीन इफ वी हैव बट इन द वी इन द एग्जाम्पल बी बी माइनस वी कैलकुलेट बी इज वी कैलकुलेट बी माइनस ए, अगर हम बी माइनस ए निकालना है दैट इज सेम दैट द ए प्लस माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, इट मीन्स ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, जिस तरह एडिशन में क्या था, अभी एडिशन में क्या बताया था मैंने, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए था, और इस इसमें क्या था ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में तो होती है, इसमें नहीं होती एडिशन में, यानी अगर मैंने ए ए प्लस बी निकालना ए माइनस बी निकालना है तो जरूरी नहीं हो बी माइनस ए इसके इक्वल हो, इसके इक्वल नहीं होता, बी माइनस ए इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, अगर दोनों कब होते हैं जो दोनों इज ओनली आर सेम, तो ए माइनस बी इज नॉट बी बी माइनस ए, ठीक है, यानी कि इट एग्जिस्टेंस ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन सब्ट्रैक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ये ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, और ये सब्ट्रैक्शन किसका करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इसमें से डिफरेंस माइनस कर देते हैं, तो यही क्या कहलाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है, ठीक है भाई आगे बढ़े, आगे है फिर है साइमेट्रिक मैट्रिक्स, साइमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स होती हैं ये, एक सिमेट्रिक होती है एक होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स है ये, एक तो क्या होती है एक तो स्क्यू, एक क्या होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक क्या होती है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक क्या होती है स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू अगर इसके ए इस तरह के हों ए आई जे इक्वल टू जे ए आई, इस तरह के एलिमेंट है ए आई जे एलिमेंट इक्वल टू ए जे आई इज कॉल्ड टू द स्क्यू सिमेट्रिक, इफ सिमेट्रिक एलिमेंट इफ ए आई जे इज नॉट माइनस ए जे आई इक्वल टू है स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एलिमेंट का एग्जाम्पल क्या होगा जैसे वन टू माइनस टू टू थ्री वन माइनस टू वन फोर, वेरी ए आई जे, ए आई जे मीन्स दैट इज एलिमेंट टू ए थ्री वन, ए थ्री वन, ए थ्री वन इज इक्वल टू ए वन थ्री इज इक्वल टू माइनस टू, ये आओ ए थ्री वन इज इक्वल टू ए माइनस टू, ये रहा
ठीक, ये रहा ये एलिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड टू द, ये है A21, दैट इज कॉल्ड टू A12, ये A21 इज इक्वल टू A12 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -2. अगर ये यही के, अगर क्या होता, जीरो माइनस टू वन है, एक मैट्रिक्स 204 है, ये क्या है 204 है, एक एलिमेंट, एक एलिमेंट है -1 4 -1 4 9 है, -1 4 9 है, इसमें इसकी यह -1 4 0 ही मान लिया, तो जीरो भी है, तो इसके क्या आ गया, देखो A12 इज इक्वल टू -A21, ये 2 है, ये -2 है, A212 इज इक्वल टू -2, या A13 इज इक्वल टू A31, देखो ये माइनस का है, ये क्या है प्लस का है, इक्वल टू A13 इज इक्वल टू A31, ये माइनस का है, ये देखो इसमें जो सेम एलिमेंट है लेकिन साइन चेंज हो रहा है, इसमें -1 है इसमें +1 है, ठीक. इसी तरह से अगर इसमें इसके एलिमेंट अगर सेम इक्वल आ जाए तो दैट इज कॉल्ड टू द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड टू द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अदरवाइज इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज एलिमेंट इसके डायगोनल जीरो हो रहे हैं, अदरवाइज इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज कॉल्ड टू द इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. में क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, इफ द ए आई जे इक्वल टू जे आई, यानी रो और कॉलम उसको उल्टा कर दे, कॉलम रो के एलिमेंट अगर इक्वल हो तो क्या कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अदरवाइज इट इज कॉल्ड टू द, अगर इसके माइनस में हो जाए तो क्या कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, क्या कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है भाई, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम? तो मैंने ये क्या बताया था, मैंने क्या था, अच्छा इसी अभी मैंने क्या बताया था, अभी बताया था कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं, एक क्या कहते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी बताया था, अभी 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 मैंने बताया डिटरमिनेशन ऑफ मैट्रिक्स का डिफरेंस बताया था, अगर किसी भी चीज का डिटरमिनेशन का मान, यानी डिटरमिनेशन किसी भी डिटरमिनेशन का मान जीरो आ जाएगा तो उसको क्या कहते हैं डिटरमिनेशन का, कोई मतलब कोई मैट्रिक्स है ये, उसकी मैंने जो है डिटरमिनेशन वैल्यू निकाल ली, तो डिटरमिनेशन एक अगर किसी वैल्यू डिटरमिनेशन एक क्या आ गई जीरो आ गई तो क्या कहता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या कहलाती है वो सिंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज कॉल्ड टू बी सिंगुलर इफ द वैल्यू ऑफ द नियर डिटरमिनेशन इज जीरो, और नॉन सिंगुलर क्या आ जाएगी भैया नॉन सिंगुलर, ये मैट्रिक्स इज कॉल्ड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ ग्रेटर डिटरमिनेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है कोई किसी भी ऑर्डर की गिवन है, अगर उसकी मैंने जो वैल्यू असाइन करी है वैल्यू निकाल लिया अगर जीरो आ गई दैट इज कॉल्ड टू द सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ वी हैव इन इफ वी हैव द नॉन जीरो वैल्यू या नॉट इक्वल टू जीरो दैट इज कॉल्ड टू द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो दैट इज सच दैट टाइप ऑफ वी स्टडी द स्क्यू साइमेट्रिक साइमेट्रिक स्क्वायर स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी यूनिट अपर ट्राइंगल लोअर ट्राइंगल है एडिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये सच दैट जो मैंने टाइप आज जो है एडिशन के फंडामेंटल पढ़े हैं मैट्रिक्स के, कल से इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे मैट्रिक्स के, कि मैट्रिक्स की एडिशन जिस तरह एडिशन के लिए ऑर्डर सेम होता है इसलिए मल्टीप्लाई के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स.